हम सब नहीं कृष्ण। मैं भी कृष्ण। कृष्ण ने कहा था। मेरे पास भी है। मेरे पास भी है। मेरे पास भी है। पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया? ऋतिक रोशन की क्रिश फोर में कौन होगी सुपर हीरोइंस क्या होने वाली है क्रिश फोर की खास बातें और सोनाक्षी सिन्हा के भाई इस फिल्म में सुपर विलन क्यों बनना चाहते है? हेलो हैं हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज मैं हूं सोनिका जैल बात करेंगे ऋतिक रोशन की क्रिश फोर की जिसका इंतजार हम सभी को अरसों से है ये फिल्म कई सालों से अटकी पड़ी है इस समय राकेश रोशन इसकी कहानी पर काम कर रहे हैं कुछ समय पहले सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार राकेश रोशन जैसे ही फिल्म क्रिश फोर की कहानी पूरी कर लेंगे वैसे ही इसकी कास्टिंग शुरू हो जाएगी उन्होंने अभी तक किसी को क्रिश फोर के लिए फाइनल नहीं किया है लेकिन आए दिन नाम आते ही रहते हैं जैसे कि कृति सेनन और अब उर्वशी रौतेला का भी नाम इस फिल्म से जुड़ चुका है और दोस्तों आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सुपरस्टार भी क्रिश क्रिशफोर का इंतजार कर रहे हैं इसका हिस्सा बनना चाहते हैं कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस बात का इकरार किया कि वो ऋतिक रोशन की क्रिश क्रिशफोर में खलनायक की भूमिका निभाना चाहते हैं लव सिन्हा ने लिखा उन्हें अगर मौका मिलता है तो वो इस किरदार को बड़े पर्दे पर पेश करना चाहेंगे लव सिन्हा के अनुसार मैंने ये पहले भी कहा है कि मेरा सपना है कि मैं किसी खलनायक का किरदार पर्दे पर पेश करो मुझे खुशी होगी अगर मैं क्रिशवोर का किरदार पर्दे पर पेश करूंगा इसके अलावा मैं अपने पिता की विश्वनाथ का भी रीमेक में काम करना चाहता हूं अब लव सिन्हा को क्रिशफोर में ये मौका मिलता है या नहीं ये तो राकेश रोशन पे डिपेंडेंट है इसके अलावा आपको बता दो दोस्तों कि इस फिल्म में क्रिश जो है हमारे ऋतिक रोशन है वो एक नहीं दो नहीं बल्कि चार रोल्स में नज़र आएंगे हो सकता है कि विलन भी वही बने इसके अलावा जादू की री एंट्री होने वाली है जो कि हमें कोई मिल गया हमें दिखा था अब जादू की एंट्री कैसे कराएंगे इस पर भी काम चल रहा है या तो टाइम ट्रेवल के थ्रू रोहित मेहरा जो कि जादू को वापस लाए थे उनको उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि रोहित मेहरा अब नहीं है क्रिश थ्री में उनकी मौत हो चुकी है या फिर क्रेश को वो कोई ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेंगे कि उसे पता चल पाए कि जादू को वापस कैसे लाना है वैसे आप क्या चाहते हैं और जादू के री एंट्री के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए फिल्मी रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को